बेचता मैं, और यहाँ पे अभी हम अभी पाठक जी से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कुछ बताया मेरे को रूम्स के बारे में। एक बार चल के उन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रूम अवेलेबल है और कैसा। ये रही इनकी लॉबी, और ये बैठे हैं हमारे पाठक जी। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। सर बढ़िया बढ़िया सर। तो सर अभी ना आप मेरे को एक बार बताइए कि रूम्स वगैरह का क्या सीन रहता है यहाँ पे। सर जो हम पे बेसिकली जो हम पे रूम्स हैं वो थ्री कैटेगरी डिवाइड है। जैसे आपका पहला जो है सिल्वर रूम है, और दूसरा जो है गोल्ड रूम है। अच्छा। और तीसरा जो है आपका डायमंड रूम है। क्या तो इनमें डिफरेंस ये है कि जो सिल्वर रूम है वो एक नॉर्मल बेस कैटेगरी, जैसे आपका ये है कि जो अंदर साइड के एंड फ्रंट साइड का इसका व्यू रहता है। और गोल्ड रूम जो हमारा हुआ है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में, अगर कोई फैमिली आती है अगर चार लोगों की, तो हम लोग गोल्ड उसको प्रेफर करते हैं। अगर किसी गेस्ट को अगर सपोज दैट अगर उसको बालकनी व्यू चाहिए, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको शायद आपका चेयर्स के साथ थोड़ा सा कुछ पार्टी वगैरह करना है, तो उसके लिए डायमंड बेस्ट है। क्योंकि उसमें एक बालकनी अटैच है जो जहाँ से हमारा एक हिमालयन व्यू बहुत अच्छा दिखता है, तो काफ़ी अच्छा व्यू है डायमंड का। और ये हमारे तीन टाइप की कैटेगरीज जो रूम है। और जब भी आपको बताना चाहूँगा, जब हमारे जो रूम्स लगते हैं, हम जब डेली रूम्स लगाते हैं, तो हम लोग उस रूम को सबसे प्रेफर मेरा ये रहता है कि बिफोर चेक इन हम उस रूम्स को पूरा सैनिटाइज करें, देन फिर हम लोग उसको उसको अवेलेबल करते हैं बुक। जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी यहाँ पे रहना है, और ताकि बाकी गेस्ट को भी प्रॉब्लम ना हो और किसी और को भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी तरफ से सारा का सारा इंतज़ाम इन्होंने रेडी कर रखा है। बाकी एक बार रूम देखने चलते हैं। क्यों पाठक जी, रेस्टोरेंट की तरफ जो विस्टा माउंटेन कैफ़े के नाम से है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अंदर अपना आराम से सिटिंग भी कर सकते हैं, और बाकी रूम सर्विस तो अवेलेबल है। पाठक जी हमारा रूम दिखा रहे हैं, बाकी एक बार ये देखिए डाइनिंग के लिए यहाँ पे आप सिटिंग के लिए है, डाइनिंग के लिए आप यहाँ बैठ सकते हैं, और यहाँ पे सामने प्रॉपर व्यू दिखेगा आपको, और बहुत ही प्यारी लाइटिंग कर रखी है। लाइटिंग प्लस यहाँ पर कुछ एक्टिविटी कराना चाहिए, अगर जैसे आपको अगर 18-20% का अगर आपका कोई अगर कुछ अगर ऐसे ऐसे गेम या कुछ भी म्यूजिक वगैरह कुछ भी करना कॉम्बिनेशन करनी हो, तो उसके लिए यहाँ पर बेस्ट है। यहाँ बताना चाहूँगा यहाँ पूरा जितने यहाँ पर आपका अगर 15-20 लोग आराम से अकाउंट रहते हैं, और आराम से यहाँ पर खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा दे सकते हैं। पूरा हमारा लगा हुआ है सेटअप, पूरा लगा हुआ है फैमिली वगैरह जो भी, और डिनर लंच या जो भी करती है या बफे करना हो तो हम यहाँ पर करवा देंगे। बाकी सारे लोगों की हमारी वही है सिटी गवर्नमेंट है। आपको रूम दिखाया, चलो एक बार रूम की तरफ चलते हैं। तो अरे गैलरी देखो यार, अब कितनी शानदार गैलरी बना रखी है यहाँ पे, बड़ी वार्म वाइट कलर और कामिंग सा यहाँ पे आने का लगता है। तो ये इनका डबल बेड है, और साथ में यहाँ पे अपना रिलैक्स टी कॉफ़ी के लिए या फिर आपको जो भी चिल करने के लिए बहुत ही प्यारा इन्होंने सीटिंग के लिए दे रखा है, और उसके साथ आपका व्यू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 110%। बाकी एक बार वॉशरूम भी देख लेते हैं इस रूम के। तो ये देखिए क्लीनलीनेस, आपको यहाँ पे फ्लोटर्स वगैरह आपको हर रूम में मिलेगा, और जिस तरह ये रूम है ये आपका सैनिटरी वाली चीज़ें हैं, वो एक सोप दे रखा है होटल विस्ते की ब्रांडिंग के साथ, ये शैम्पू है, और ये टॉवल वगैरह है। लोगों ने बॉनफायर कराया था बाहर में, और उन्होंने सबको इनवाइट किया है, और हम लोग जैम सेशन करने वाले हैं। मेरे भाई लोग भी आ रहे हैं, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया उनमें भी एक गिटारिस्ट वगैरह है, उन्होंने बढ़िया अपना बॉनफायर का तैयारी करी है। आज देखते हैं कि रात को कैसा रहता है यहाँ पे। देखो
को, ये यूकुलेले और ये जैम्बे लेके तैयार है, और वो पीछे रखा है वहाँ पे गिटार। काफ़ी बढ़िया नाइट होने वाली है हमारी। तो कुछ इस तरह रही हमारी शाम, काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया महफिल जमी हुई थी। अब कल यहाँ से वापस निकलना है, कल सुबह का चेकआउट है हमारा। बट मैंने सोचा कि और लोगों का भी चेकआउट है यहाँ पे कल सुबह, तो एक बार ट्राई करेंगे एक रैंडम फीडबैक के लिए कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। नो, हाउ वाज द फूड, फूड रूम, प्लीज प्लीज। ओके, सिर्फ एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। सो गाइस, दिस इज इट, दिस वॉज अ स्टे एट होटल विस्टा, एंड देर आर फ्यू नियर बाई प्लेसेज दैट यू कैन विजिट फ्रॉम हियर।